तो संसार से आपको और मुझे प्रलोभन आ सकता है। जब प्रभु का वचन कह रहा है कि संसार को प्रेम मत करो, कहने का मतलब संसार जो प्रलोभन को तुम्हें दिखाता है उसको प्रेम मत करो, क्योंकि जो कोई उसको प्रेम करेगा, संसार के प्रलोभनों को प्रेम करेगा, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं होगा। इस बात को हमने देखा, तो हमें संसार के किसी भी प्रलोभन को हमें प्रेम नहीं करना है। खान पीन की बातें हो सकती है, बुरी आदतें हो सकती है, तो संसार से भी आपको और मुझे प्रलोभन आ सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है संसार से का मित्रता परमेश्वर से दुश्मनी है। हमेशा याद रखें, लुभाने वाली बातों को छोड़कर, उलझाने वाली बातों को छोड़कर अपनी दौड़ को पूरी कर लो। कोरिन्थी का किताब कहता है अपनी दौड़ को पूरी कर लो। हमें संसार के प्रलोभन से बचना है मंडली। आंखों का विलासा, शरीर का विलासा, जीवन का घमंड का बात आज संसार भर में है। सो हमें संसार के प्रलोभन से बचना है। सब लोग बोले बचना है। तो दूसरा जगह जहां से कि आपको और मुझे प्रलोभन आ सकता है वो है हमारे अंदर से, फ्रॉम आवर फ्लैश। हमारे शरीर पराओ प्रलोभन आ ही बो पारे, भीतर पराओ प्रलोभन आ ही बो पारे, शरीर से भी आता है प्रलोभन, टेम्पटेशन ऑफ फ्लैश। अंदर से कहने का मतलब शरीर है, प्राण है, आत्मा कभी भी प्रलोभन में आपको लेकर नहीं जाएगा। हमेशा याद रहे, हमारा जो आत्मा है, जो आत्मा ने उद्धार पाया है, मुक्ति पाया है, यह आत्मा आपको कभी भी प्रलोभन की ओर लेकर नहीं जाएगा। बल्कि आत्मा कहेगा कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है आत्मा बलवंत है, शरीर दुर्बल है। आत्मा हमेशा प्रभु के साथ संगति चाहता है, लेकिन शरीर हमेशा प्रलोभन की ओर जाना चाहेगा। तो शरीर एक आपका और मेरे जीवन में रुकावट का कारण बन सकता है। कई बार परमेश्वर की योजना में बढ़ने से संसार भी आपको रोकेगा, तो कई बार आप खुद को, आपका शरीर भी रोक सकता है, आपको प्रलोभन में गिरा सकता है शरीर। और शरीर के कुछ चीजों को हम देखेंगे, गैलेशियन 5:19-20-21। हाँ, शरीर के काम तो प्रगट हैं। पहला चीज क्या है? बेविचार। एक एक कर कर हम देखेंगे अब। बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह मतवालापन, लीला कीड़ा, और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसा कि पहले मैंने कह भी चुका हूँ, ऐसा ऐसा एनेकवा काम करा लुक होकल ईश्वर राइजर सहभागी नहबो बोली कह से दे। याद रखें इस बात को। अब शरीर अंदर से भी प्रलोभन आएगा और आपको और मुझे प्रभु की योजना में बढ़ने से रोक सकता है। इधर बाहर से भी आपको प्रलोभन आ सकता है संसार से, और संसार में क्या है? आंखों का विलासा, शरीर का विलासा, जीवन का घमंड संसार से आ सकता है आपको और मुझे, और नाना प्रकार का लोभ लालच की बातें संसार से आ सकता है। तो इधर अंदर से भी आ सकता है, ये बाहर से नहीं आएगा। बेविचार बाहर से नहीं आएगा, लुचपन बाहर से नहीं आएगा, मूर्ति पूजा अंदर से, आपका खुद का डिजायर, आपका इच्छा, आपको आपका शरीर, आपका मन, भावना, विचार, इच्छा शक्ति, अपना प्राण अपना ही फाले लो जाबो, शरीर और अभिलाषर फाले लो जाबो। तो शरीर भी आपके आपके जीवन में प्रलोभन लेकर आ सकता है। सो पहला चीज क्या देख पाते हैं हम यहाँ पर? एडल्ट्री। क्या लिखा है वहां पे हिंदी में? बेविचार। सब लोग बोले बेविचार। अब बेविचार क्या है? बेविचार का मतलब है शादीशुदा होने के बाद भी पराई और औरत या फिर मर्द के साथ संबंध रखना। ये शरीर का काम है, ये शरीर का प्रलोभन है जो आपको और मुझे गिराने की कोशिश करेगा। और हम सब शरीर में हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पास्टरों के साथ भी ये घटनाएं हो रहे हैं।
और ये उनकी अभिलाषा के कारण, उनके गलत डिजायर, इविल डिजायर के कारण, गलत इच्छाओं के कारण ये सब कुछ हो रहा है, अंदर से हो रहा है। अंदर से भी प्रलोभन आ सकता है, बेविचार, शादी शुदा होने के बावजूद भी पराए मर्द पराए औरत के साथ संबंध रखना, शारीरिक संबंध रखना, उसको बेविचार कहा जाता है। एंड इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट इज नॉट फ्रॉम होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से नहीं है, ये प्रभु का काम नहीं है। सब लोग बोले दो, नहीं है। बेविचार के बाद वहां पर क्या है? गंदे काम, गंदे काम। लेकिन गंदे काम हिंदी में उतना खास नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में कहा गया है फॉर्निकेशन। कहने का मतलब, फॉर्निकेशन का मतलब है शादीशुदा नहीं हुआ लेकिन फिर भी किसी के साथ फिजिकल गया। बेविचार शादी के बाद की बात है, फॉर्निकेशन शादी से पहले। और आज संसार भर में यही हो रहा है, लिविंग रिलेशनशिप में लोग जी रहे हैं। एंड दिस इज अगेंस्ट गॉड। ये शारीरिक बातें हैं, और ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, अगर प्रभु का वचन साफ प्रकार से कहता है। फॉर्निकेशन, शादी से पहले का गलत संबंध, किसी के साथ शारीरिक संबंध में जाना, दैट इज कॉल्ड फॉर्निकेशन। उसके बाद अनक्लीननेस, इंग्लिश कहता है अनक्लीननेस, अशुद्ध, अशुद्ध काम कहने का मतलब गंदे काम। और कोई लोग, कोई परिवार में तो बहुत गंदे रहते हैं वे लोग, दैट इज ऑल्सो अ प्रलोभन, कि काम करने नहीं देना, फुर्ती में ना होना, साफ सफाई में नहीं बैठना, दैट इज ऑल्सो ए शरीर का एक प्रलोभन है, जो कि आपको और मुझे गंदा बना, गंदे में रहने के लिए आपको और मुझे अगुवाई करता है। और शैतान हमेशा गंदी जगह में ही रहता है, याद रखें इस बात को, जहां ज्यादा गंदगी है ना वहां पर दुष्ट स्पिरिट लोग काम करते हैं। वहां पर कुछ सारे पास्टर्स लोग सेंस कर पाते हैं, किसी के घर में गए सूंघने के साथ उनको ऐसा गंदा स्मेल आएगा, उनको पता चल जाता है दैट इज नॉट फ्रॉम लॉर्ड, दैट इज डिमोनिक स्पिरिट। और जहां गंदगी ज्यादा है वहां पर शैतान का काम होता है। इसलिए आपके घर घर परिवार को भी साफ सुथरा अच्छे से रखिए। संसार का भी एक एक, एक मुहावरा है, एक सेंटेंस है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड, बोलकर बोला जाता है, साफ सफाई। अनक्लीननेस ये भी एक शरीर की बातें हैं, अनक्लीननेस। और उसके बाद में यहां पर लिखा है लूचपन। अब ये लूचपन क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूचपन का मतलब है सेक्सुअल चीजों में ज्यादा एक्टिव रहना। आज दुनिया में देखिए तो आज ऐसी ऐसी चीजों के पीछे संसार जा रहा है, प्रलोभन में वे लोग फंसे हुए हैं। एंड ऐसे प्रलोभन में फंसे हुए लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, कहकर प्रभु का वचन कहता है। लूचपन, उसके बाद में मूर्ति पूजा। हाँ, भले हम लोग कोई प्रकार का मूर्ति तो नहीं पूछते हम विश्वासी लोग, लेकिन याद रखें आपके दिल में प्रभु को छोड़ कोई और चीज ज्यादा जगह ले रहा है, या फिर आप किसी को, परमेश्वर को छोड़ किसी चीज को आप ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हो, देन दैट इज इक्वल टू आइडोलेट्री, कहकर प्रभु का वचन कहता है। वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। और ये सब शरीर के काम है, सब लोग बोले शरीर के काम, मूर्ति पूजा। ऐसा ऐसा करने वाले लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। एंड दिस आर नॉट फ्रॉम गॉड, और ये प्रभु की ओर से नहीं है। सॉर्सरी, जादू टोना मोना करना, ओझा दिखाना, तंत्र मंत्र करना, इधर प्रार्थना कर रहा है इधर पंजी दिखाने के लिए चला गया, दिस आर ऑल अगेंस्ट गॉड्स वर्क। शरीर हमेशा प्रभु का विरोध का ही काम करता है। और आज आप लोगों ने, मैंने, हम सब ने आत्मा में होकर हमने नया जीवन पाया और हम आत्मिक लोग हैं। आमीन। तो हमें शरीर के कामों में नहीं जाना है मंडली, शरीर के प्रलोभन से आपको और मुझे बचना जरूरी है, अनिवार्य है। संसार बाहर से प्रलोभन दिखाएगा आपको और मुझे स्वर्ग जाने से रोकने की कोशिश करेगा, संसार भी रोकेगा, इधर आपका खुद का शरीर भी, अंदर से आने वाला डिजायर भी आपको रोकेगा। उसके बाद में क्या है? नफरत। किसी से आप नफरत कर रहे हैं तो होशियार, होशियार। ये एक शरीर का प्रलोभन है और ये नफरत आपको और मुझे स्वर्ग जाने से रोक सकता है। हेट्रेड मत कीजिए, किसी से भी नफरत मत कीजिए। नफरत, मुझे देखने का मन नहीं है, नफरत मत कीजिए। That can become a शैतान का होल्ड आपके जीवन में, और आपको और मुझे स्वर्ग जाने से, प्रभु के योजना से दूर ले जा सकता है, और आपको और मुझे पाप में गिरा सकता है। नफरत, नफरत ये भी शरीर का काम है। उसके बाद में आर्ग्यू, किसी को ना सिर्फ आर्ग्यू पसंद है,
অকল আর্গিউ করবলে কারণে হেঁতি তর্ক বিতর্ক ইমান ভাল লাগে, তর্কই করে থাকে, তর্কই করে থাকে। দ্যাট ইজ অলসো শরীর কা কাম। আর্গিউ মত কিজে, ज्यादा आर्ग्यूमेंट में ध्यान मत दीजिए, आर्ग्यू कर देना। कुछ सारे लोग घर में, परिवार में, किसी को मिले उसके साथ आर्ग्यू, पड़ोसी के साथ आर्ग्यू, दैट इज शरीर के काम। मैं सबसे ज्यादा जानता हूं और उस कमेंट में लोग ज्यादा आर्ग्यू में उतर आते हैं। नहीं, नहीं, और मैं आपको एनकरेज करूंगा, प्रभु का वचन को लेकर तो और भी आर्ग्यू मत कीजिए। आपके आर्ग्यू करने से और आप जीत गए तो आप ये मत सोचिए कि ओ प्रभु का राज्य में मैंने 1% कंट्रीब्यूट किया और प्रभु का वचन बढ़ गया। नहीं, आप आर्ग्यू करें ना करें, प्रभु को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप आर्ग्यू करने से प्रभु का राज्य में 1% कुछ ऐड कर देगा और आर्ग्यू में लॉस हो गए तो प्रभु का राज्य का एक बात घट गया, ऐसा नहीं होता। आमेन। आपको और मेरे आर्ग्यूमेंट की परमेश्वर की जरूरत नहीं है ताकि वो अपने राज्य को बढ़ाए। नो, तो किसी भी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। खास करके पति पत्नी के बीच में तो आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं है, बातचीत होना है, छलफल होना है, सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करना है, लेकिन आर्ग्यू नहीं। आर्ग्यू भी शरीर का काम। नहीं भाई सही हो, नहीं नहीं सही हो, आर्ग्यू करते ईश्वर और प्राण हो, डोंट आर्ग्यू। क्योंकि ज्यादा आर्ग्यूमेंट करना भी वो भी शरीर का ही प्रलोभन है। हर मानिंग नहीं, आज सेटल हो गया, कल भी नहीं, कालीर को था को लाए पिले आर्ग्यू केले को बा, केले को बा है नाना प्रकार के आर्ग्यूमेंट में लोग फंसे हुए, आज दुनिया फंसा हुआ। दैट इज शरीर का ही प्रलोभन है। सो उसके बाद में जेलेसी करना, जेलेसी जलन करना किसी को देखकर, जेलेसी अच्छा बात नहीं, ये शरीर का प्रलोभन है। सब लोग बोले प्रलोभन। हाँ, ऐसी चीजों से बचकर रहे क्योंकि ऐसे लोग, प्रलोभन में फंसे हुए लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। और क्रोध में भ्रष्ट हो जाना, आर भ्रष्ट ऑफ व्रत बोलकर लिखा है यहाँ पर ना, गुस्सा करके मैंने एकदम किसी को मारपीट करना, गुस्सा करना, एवरी टाइम एंग्री मूड में ना, एवरी टाइम व्रत में गुस्सा में, ऐसे आप नहीं बैठना। ये पोलाए, हालेलुया, ये सारी चीजें आपको और मुझे स्वर्ग जाने से रोक सकता है। इन कांटों को हटाइए, दिखने में छोटा छोटा लगता है। मैं गुस्सा तो करता हूं लेकिन अंदर से प्यार करता हूं, ये क्या मतलब हुआ? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बोले तो फल दिखाई देता है, फल छिपता है हृदय, हृदय में जो है वही मुंह से निकलता है। सो ज्यादा गुस्सेल वाला व्यक्ति भी मत बने, गुस्सा बन कीजिए, पवित्र गुस्सा लाइए, जैसे यीशु को आया पवित्र गुस्सा। जब यीशु को गुस्सा आया, उन्होंने सारा मंदिर का जो कीन बेच का काम हो रहा था उन्होंने तोड़ फोड़ किया और उन्होंने कहा मेरा घर परमेश्वर का घर, प्रार्थना का घर होना चाहिए, रोटी का घर होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने डाकुओं का अड्डा बना दिया, बिजनेस का अड्डा बना दिया। कहकर उन्होंने सदी के फरीसियों को, उन लेवियों को, उन पुजारियों को डांटा उन्होंने। तो इसलिए हमारा क्रोध सही क्रोध होना है, सही जगह में क्रोध कीजिए, हालेलुया, सही जगह में गुस्सा कीजिए। उसके बाद में सेल्फिश एंबिशन, स्वार्थी, स्वार्थी होना, वो भी एक शरीर का प्रलोभन है। चेक कीजिए, ऐसी बातें आपके जीवन में जगह, हमारे जीवन में जगह नहीं होना है। शरीर हमें रोक सकता है स्वर्ग जाने से, और शरीर हमेशा प्रभु का विरोध का ही काम करना चाहेगा क्योंकि हमारे शरीर ने उद्धार नहीं पाया है, आत्मा ने पाया है, लेकिन हमें इस शरीर को हमें खुद वश में लेकर आना है। और ये शरीर कब उद्धार पाएगा पता है? जब यीशु मसीह बादलों में आएंगे, और जैसे आएंगे रैप्चर के समय में हमारा शरीर जब रूपांतरित हो जाएगा, हम फिर से वो महिमित वाला शरीर पाएंगे जो एदन के वाटिका में आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। अब हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमें इसे वश में रखना है, इसका देखभाल करना है, साफ सिकन एकदम अच्छे से इसका हमें देखभाल करना जरूरी है, इस शरीर का। तो हमारा शरीर कई बार हमारे जीवन में प्रलोभन का काम करेगा, आपको और मुझे रोकेगा। उसके बाद में यहाँ पर बाइबल कहता है
डिसेंशन कहकर बाइबल कहता है। डिसेंशन का मतलब है डिसएग्रीमेंट, हमेशा डिसएग्रीमेंट में रहना, और ऐसा डिसएग्रीमेंट में कि वहां पर विभाजन आ जाए, वहां पर फूट आ जाए, यह भी शरीर का ही प्रलोभन है, शरीर का ही प्रलोभन है। डिसएग्रीमेंट में कोई भी बात में परिवार के साथ एग्रीमेंट नहीं, कोई भी बात में चर्च के साथ एग्रीमेंट नहीं, हमेशा डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, कोई लोग होते हैं ना डिसएग्रीमेंट में, और ऐसा डिसएग्रीमेंट में कि वे लोग छूटना ही चाहते, अलग होना चाहते, अलग होना चाहते हैं। एंड दैट डिसएग्रीमेंट इज ऑल्सो शरीर का ही प्रलोभन है, जिसको डिसेंशन कहा जाता है, और उसके बाद में हेरेसिस कहकर कहा जाता है। कहने का मतलब एन ओपिनियन, बिलीव और एक्शन दैट गोज अगेंस्ट अगेंस्ट व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, मतलब जो जनरली सब कुछ लीगल होना चाहिए, जनरली लोगों को बड़ा समूह एटू होबो लागे बोली को ऐसे लोगों का ज्यादा मात्रा में लोग कह रहे कि ये सबके लिए अच्छा होगा और एटू होबो लागे, बट ए हेरिसिस को आ कथा टू केने को बोली कोले ई माने हे कथा को लई पिले जनरली जी लॉ आसे हेटुक नामालि पिले ही निजोर एक्शन करा निजोर मते करा जो शरीर का प्रलोभन है। आपको बाइबल कहता है कि जो सही है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, उन्हीं बातों को करो। हालेलुया, उन्हीं बातों को करो जो सबके लिए लाभदायक है, उन्हीं बातों को करो कहकर प्रभु का वचन कहता है। किसी प्रकार के डिसएग्रीमेंट में आना, हेरिसिस में आना, विरोध करना और ऐसा एक्शन करना कि आप डिसएग्री करते हैं उस बात को जो जनरली लोग मान रहे हैं, दैट इज ऑल्सो शरीर का प्रलोभन। और आप चर्च चर्च में बाखूबी ऐसा प्रलोभन का काम हो रहा है, डिसएग्रीमेंट का काम हो रहा है। उसके बाद में एनवी, एनवी ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास जो है मेरे पास भी आना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ये ईर्ष्या है और ये भी शरीर का ही प्रलोभन है। उसके बाद में मर्डर, सब लोग बोले मर्डर, ये भी मर्डर, और यहां से भी जो मर्डर होता है, बाइबल कहता है तुम्हारे मुंह से निकलने वाले दो धारे तलवार के समान का जो शब्द है किसी के हृदय को काट छाट कर देता है, अंदर से वो इंसान टूट जाता है, देन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मर्डर कहकर प्रभु का वचन है। कभी कभार हम गुस्से में ऐसा ऐसा शब्द बोल देते हैं, ऐसा ऐसा हम लोग बोल देते हैं कि वो बाजू वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति अंदर से ही वो टूट जाता है, बिखर जाता है, और उसको कुछ करने का मन नहीं करता, वो एकदम अंदर से डिमोरलाइज हो जाता है। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मर्डर, इक्वल टू मर्डर। और बाइबल इन सभी बातों को विरोध करता है, प्रभु का वचन विरोध करता है शरीर के काम। उसके बाद में मतवालापन, नशा करना, ये भी एक शरीर का ही काम है। So, आप और हम किसी प्रकार के मतवालेपन में नहीं होना है, किसी प्रकार के एडिक्शन में नहीं होना है। और लास्टली रेवलरीज कहकर प्रभु का वचन कहता है, जो कि मतलब गंदा पार्टी। मान लीजिए कोई वहां पर वाइल्ड पार्टी कर रहा है और ये पड़ोस का व्यक्ति रात भर सो नहीं पाया, दैट इज ऑल्सो शरीर का ही प्रलोभन है, शरीर का ही काम। पड़ोसी को तंग करना, आपके घर के पड़ोसी को रात भर सोने ना देना, विरोध का काम करना। आज संसार भर में वाइल्ड पार्टीज बहुत ज्यादा होता है, तो उनका पहनाव कुछ अलग होता है, हाथ में एक ड्रिंक्स होगा और वे लोग अपने धुन में नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं, दैट आर वाइल्ड पार्टीज, और ये सब शरीर के ही प्रलोभन है। और एनेकवानों का कथा बिल आपनार मोर जीवन यदि आहे ये प्रलोभन यदि आम फसी जाऊँ तेनते ग्यारंटी आसे जे आम स्वर्ग जाब न। लेकिन आपको और मुझे इन सभी चीजों से बाहर निकलना है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। अब हमने शरीर के काम देखा, लेकिन इस शरीर के काम का विरोध हम कैसे कर सकते हैं? रोमी 12 अध्याय अनुसार अपने शरीर को जीवित बलिदान स्वरूप प्रभु के हाथों में चढ़ाकर। आमीन, हालेलुया, अपने शरीर में अनुशासन लेकर आकर। मैंने कहा पिछली बार संसार जो प्रलोभन लेकर आता है उसका विरोध हम कैसे कर सकते हैं? गरीब अनाथ विधवाओं को देखभाल कर उनका सूदी लेकर और संसार से बचकर हम संसार से आने वाले प्रलोभन को हम विरोध कर सकते हैं। आमीन। अब जो हमारे अंदर से आने वाला प्रलोभन है इसका विरोध हम कैसे कर सकते हैं? हर दिन अपने जीवन को, अपने शरीर को
जीवित बलिदान स्वरूप परमेश्वर के हाथों में चढ़ा के आमेन, और अपने मन को सदा प्रभु के वचन से रिन्यू कर कर आमी होरीरोर उपरोर विजय प्राप्त करिबो पारिम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। संसार के ऊपर विजय पाना है तो आपको और मुझे संसार को कुछ देना है। क्या देना है? गरीब अनाथ विधवाओं का सुधी लेना है और संसार से बचना है, संसार से बचना है, प्रलोभन से बचना है, और संसार को अधिक कुछ देना है हमें यही देना है कि गरीब अनाथ विधवाओं का देखभाल करना। अब हमारे अंदर से आने वाले प्रलोभन से अगर आपको और मुझे विजय पाना है तो अपने शरीर को बलिदान चढ़ाएं और अपने मन को प्रभु के वचन से नया करें। आमेन, हालेलुया। और तीसरा जगह जहां से कि आपको और मुझे प्रलोभन आ सकता है वो है प्रलोभनों का पिता शैतान, द टेम्प्टर, भरमाने वाला। शैतान प्रलोभनों को लेकर आए, संसार भी प्रलोभन लेकर आता है, आपके अंदर से भी प्रलोभन आ सकता है शरीर से, और थर्डली शैतान भी आपके और मेरे जीवन में प्रलोभन लेकर आ सकता है। मत्ती 4:3 पढ़िए तो वहां पर क्या लिखा है, शैतान हमेशा तीन चीजों से वो प्रलोभन लेकर आएगा। तो ये जो खाना का प्रलोभन दिया शैतान ने, कौन सा कैटेगरी में आएगा? शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा या जीवन का घमंड? और यीशु मसीह के साथ जो भी प्रलोभन आया मत्ती 4 में, आंखों का अभिलाषा था, शरीर का अभिलाषा था, जीवन का घमंड था। उस समय में यीशु मसीह ने उसका विरोध किया, दूर हो जा शैतान मुझसे, दूर हो जा। आपको और मुझे भी शैतान का विरोध करना। और शैतान ने प्रलोभन लाया आदम और हवा के जीवन में। आदम और हवा के जीवन में उत्पत्ति 3:6 पढ़ेंगे तो वहां पर हवा को शैतान ने प्रलोभन में गिराया, और शैतान ने प्रलोभन लेकर आया हवा के पास। कैसा वाला प्रलोभन? आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीवन का घमंड। तो अंततः शैतान के द्वारा भी प्रलोभन आएगा आपके और मेरे जीवन में, ताकि आप और हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी ना बने, परमेश्वर की योजना से दूर हो जाए, पाप में पड़े रहें, बंधन हो जाए हमारे जीवन में। शैतान की यही इच्छा है, शैतान यही चाहता है, और बाखूबी इस काम में वो है। और आज सारे संसार के विश्वासियों के विरोध में वो यही साजिश चला रहा है, आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीवन का घमंड। लेकिन याद रखना है आपको और मुझे कि शैतान पहले से ही हारा हुआ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमेन। आप और हम सभी चीजों में विजय हो सकते हैं, प्रभु ने उपाय रख दिया। संसार के ऊपर आप और हम विजय हो सकते हैं, मैंने आपको उपाय दे दिया। आप आपके खुद के ऊपर विजय हो सकते हैं, उसका भी उपाय प्रभु का वचन आपको और मुझे देता है कि हमें शरीर की अभिलाषा को मारना है, शरीर को जीवित बलिदान स्वरूप चढ़ाना है, अपने मन को प्रभु के वचन अनुसार नया करना। और अंततः शैतान जो प्रलोभन लेकर आता है, हमें जानना जरूरी है कि शैतान तो पहले से ही हारा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 12:9 अनुसार उसको माइकल स्वर्गदूत ने और माइकल के साथ होने वाले स्वर्गदूतों ने उसके साथ लड़ाई की, और स्वर्ग में उसके लिए और उसके दूतों के लिए कोई जगह ना रही, क्या प्रभु का वचन कहता है। तो हमें जानना जरूरी है कि शैतान पहले से ही हारा हुआ है। और अंततः जब कभी शैतान प्रलोभन लेकर आए, आपको और मुझे याकूब 4:7 का काम करना जरूरी है, पढ़े। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब जब प्रलोभन आए, प्रभु के अधीन में आपको और मुझे हो जाना है, और शैतान का सामना करो, और शैतान का विरोध करो, कहकर प्रभु का वचन कहता है, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दीजिए। शैतान जीतिया हुआ है। महाशय बहुत बुरी जगह नहीं थी वो निजो जीवन, वो जब जब आए उसका विरोध किया। माइकल ने विरोध किया, प्रभु के जनों ने विरोध किया, आपको और मुझे भी विरोध करना है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु के अधीन में हो जाओ, शैतान का विरोध करो, और शैतान बोलिए विजय होने। हालेलुया, वी कैन बिकम विक्टोरियस इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ। आप और हम हर कोई हर इस जीवन के हर क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आप और हम विजय हो सकते हैं। इसलिए याद रखें,
और इन सभी प्रलोभन से, इन तीन जगह से आने वाले प्रलोभनों से आप बच कर रहें, क्योंकि बाइबल साफ प्रकार से कहता है ऐसा ऐसा करने वाले लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। सो आप और हम आत्मिक हैं, आइए आत्मा में चले। संसार में हम हैं, संसार के प्रलोभनों में ना फंसे, और आप और हम आइए शैतान का विरोध करें। हालेलुया। तो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कर दें।